कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार से 16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ली है, लेकिन उसका उपयोग कहां हुआ ये कोई नहीं जानता। के मिश्रा का कहना है कि जब मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर भेदभाव करने और आर्थिक सहायता नहीं करने का आरोप लगाते हैं, तो केंद्र से मिले 16,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार ने क्या किया। कांग्रेस इस मामले को लेकर EOW ले जाएगी। इसके बाद आचार संहिता समाप्त होते ही कोर्ट में मामला दर्ज करवाएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले विधानसभा के संपन्न चुनाव से लेकर अब तक कई बार विभिन्न सभाओं में कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश को पिछले 10 वर्षों से हमने बीमारियों राज्य से उबार दिया है, यानी मध्य प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुका है। बीमारू राज्य का आशय बी फॉर बिहार, एम फॉर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ए फॉर आंध्रा, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर उत्तर प्रदेश, और बीमारू राज्य की श्रेणी में विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना, इसको शामिल किया गया है। और केंद्र सरकार बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान इन राज्यों में करती है। उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश सरकार को कई वर्षों से 16,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त राशि, सहायता राशि केंद्र से मिल रही है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश यदि बीमारू राज्य की श्रेणी से हट चुका है तो क्या उन्होंने केंद्र को इस आशय की जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से हटकर विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुका है, और यदि नहीं दी है तो वे 16,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में क्यों ले रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ भी। यदि बीमारू राज्य मध्य प्रदेश है तो मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला कि हमने उसे बीमारू राज्य से मुक्त कर विकसित राज्य बना दिया है, और यदि विकसित बन चुका है तो उन्होंने केंद्र को धोखा दिया है कि 16,000 करोड़ रुपयों की बलात् राशि वो ग्रहण किए जा रहे हैं। तो यह आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध को लेकर मामला कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रीवा से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी के साथ नेहा यादव और संदीपिका शर्मा की रिपोर्ट।